Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. You are watching Life of an Artist. मैं हूँ रोहित सक्सेना और आपका स्वागत है एक नए फ्रेश ब्लॉग में. आज सुबह we had scheduled a routine test of Swaransh और हम हॉस्पिटल तक पहुँच गए एंड देन वी रियलाइज कि हम उसका सैंपल तो घर ही छोड़ा है. तो मेरी बैंड बच गई है, दोबारा से डबल चक्कर लगाए घर वापस आके अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ. सो एनीवेज अभी टाइम हुआ है 11:30 और इट्स क्वाइट सनी डे आउटसाइड. ट्रैफिक एज यूजुअल दिल्ली में है, क्योंकि 11:30 बज गए तो थोड़ा सा ट्रैफिक अभी कम हो गया है. अब जाएंगे पहले Swaransh का सैंपल वहाँ देंगे, सैंपल दे के आई कम बैक होम और वापस आने के बाद नहा धो के पूजा करने के बाद फिर विल प्लान आर डे. आज एक दो लोगों से मीटिंग है तो वो मीटिंग्स अटेंड करनी है, उसके लिए तैयारी करनी है. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अननेसेसरी हेयर चेहरे पर आ गए हैं तो वो सब थोड़ा सा बियर्ड ट्रिम कराएंगे आज. तो काफ़ी कुछ होने वाला है आज पूरे दिन में, आप लोग साथ बने रहिए. अभी हम जा रहे हैं सैंपल देने के लिए Swaransh का, जस्ट फॉर रूटीन चेकअप. दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, गाड़ी में हो तब भी मास्क लगाए. बात करने के लिए मैं हटाया था, वैसे मैं मास्क लगा के रखता हूँ गाइस. चलो बोलो, हे गाइस हाउ आर यू, आया हूँ चंद्रलक्ष्मी में जा रहा हूँ. I need it. Thank you. I love you. जय माता दी. जोर से बोलो. ये चलो फटाफट से गाड़ी में बात करते हैं. काफी लेट हो चुका हूँ, काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ बिकॉज 8:15 आई हैव अ मीटिंग इन कैनॉट प्लेस और अभी ऑलरेडी 8:00 में 10 मिनट कम हो चुके हैं. बट एनीवेज होपफुली टाइम से पहुंच जाए. 20-25 मिनट बचे हैं हमारे पास, हाफ एन आवर का रास्ता है. ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो शायद पहुंच जाएंगे. इट्स अ मीटिंग रिगार्डिंग एन इवेंट टू बी हेल्ड ऑन 29th of November. जिनके साथ मीटिंग है उनके साथ काफ़ी अच्छे मेरे घर वाले टर्म्स हैं. लेट्स गो एंड सी व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस और क्या हम पूरा कर सकते हैं. अभी ये यहाँ से सोफे को हटाएंगे और फिर देखना कि स्टेज को हम, मतलब इस एरिया को हम क्या बनाते हैं. आई शो यू इस एरिया को क्या बनाने वाले हैं. शो यू क्या किया है. वी हैव मेड दिस तो ये ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल. देयर आर टू लाइट्स, वन दिस अनदर इज दिस. इसको स्टेज का एक लुक दिया है. मैंने जब ये लगवाया तो मेरा मन ऐसा ही था कि ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक दिखना चाहिए. नाउ यू सी तो ये कुछ इस हिसाब से बनाया था और अभी रात के 1 बज रहे हैं. नीलाक्षी का एक शूट करना है. सो जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं, एक कलाकार होते हैं, तो आपके काम करने का कोई समय नहीं होता और कलाकार होते हैं और साथ में पेरेंट्स होते हैं. जैसे नीलाक्षी इज अ मॉम, इज अ डांसर मॉम. तो जब बेबी सो गया, जब उसको सुला दिया, सारे काम कर दिए, तब आप अपने लिए समय निकालते हैं और तब ही शूट रात को 12:30-1 बजे प्लान हुआ है. यू एंजॉय द एंटायर प्रोसेस.
आपने देख ही लिया होगा, माय वाइफ इज अ कथक डांसर. सो अभी वी हैव वाइंड अप द शूटिंग, और जहाँ वीडियो मेल करना था वहाँ मेल भी कर दिया, और हम जा रहे हैं वापस स्टूडियो. ये तो बुक्स है कहीं रखनी है. सो थोड़ा सा उसकी सेटिंग चेंज कर दिया हमने, यहाँ रख दिया सामान इस तरफ क्योंकि बहुत दिनों बाद इसको हटाया, तो कल सुबह थोड़ी सफाई हो जाएगी इस एरिया की अच्छी तरह. वैसे तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम सोफा रखा होता है. That's it for today's guys. Thank you so much. अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नीचे कमेंट कर दो. और दैट्स इट फॉर टुडे. इट वॉज एन अमेजिंग डे. और सुबह आज दिन में कुछ कपल ऑफ मीटिंग्स हुई, फिर घर आकर थोड़ा बहुत काम, और बाकी आपको दिखाई मैंने क्या 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 किया, थोड़ा सा सेटअप भी दिखाया जो हमने आज एक कथक के एक प्रोग्राम को शूट करने के लिए घर में किया. तो ऐसी ही आर्टिस्टों की लाइफ होती है. वॉज माई वाइफ इज अ कथक डांसर, आपने देखा. शी इज़ अ वेरी नोन कथक डांसर और शी इज़ अ मदर. तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेरेंट्स लाइक अस कि बच्चे सो जाए, बेटा सो जाए, बिकॉज छोटा है वो तो अभी प्रायोरिटी पर वो रहता है और काम भी रहता है, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वही थोड़ा सा लाइफ में चल रहा है. गाइज स्टे सेफ, स्टे अमेजिंग, स्टे हेल्दी. दिस इज रोहित सक्सेना साइनिंग ऑफ. बाय बाय. गुड इट.